सो दोस्तों, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग भी होने वाली है एंड एक्साइटिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ गूगल पिक्सल 8a के बारे में। लेकिन जो इस फोन का प्राइस है वो है 53,000 एंड जो गूगल पिक्सल 7a था जो उसका प्राइसिंग था वो था 44,000। तो दोस्तों, यहाँ पे जो गूगल ने 9,000 का जो ओवर प्राइस किया है वो क्यों किया है, वो चीजें क्यों करी है, इसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और ये चीज जरूर देखेंगे कि क्या इस फोन को बाय करना वर्थ इट है, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको 30 वॉट का चार्जिंग मिलता है, प्लस जो बेजल्स हैं उनमें भी काफी ज्यादा आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं उस फोन के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। फर्स्टली, अगर मैं इसके लुक की बात करूं तो ये फोन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब आपको ये थोड़ा छोटे साइज में मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज भी है वो आपको यहाँ पे थोड़ा छोटा ही मिलने वाला है। प्लस अगर इसका कंपैरिजन हम गूगल पिक्सल 7a के साथ करें तो उस फोन का जो लुक था वो थोड़ा स्क्वेयरिश साइड था, बट इस फोन का जो लुक है वो थोड़ा कर्व साइड पे है। प्लस अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखाऊं इस फोन की, तो अगर आप जैसे यहाँ पे डिस्प्ले देख सकते हैं तो बेजल्स है वो काफी ज्यादा अपग्रेड है, आपको बेजल्स काफी ज्यादा दिखने वाले हैं इस फोन के अंदर। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज है वो आपको यहाँ पे कम दिखने वाला है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको बैक में ग्लास बैक नहीं देखने को मिलता है। आप ये सोचिए कि आप 50,000 रुपीज पे कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो बैक है आपको यहाँ पे ग्लास वाला नहीं मिल रहा है। प्लस जो फ्रेम है वो मेटल फ्रेम है एंड ये चीज यहाँ पे दिख रही है। ये फोन दिखने में थोड़ा सा थिकर साइड में भी है। डिस्प्ले की बात करूं तो इसके अंदर आपको 6.1 इंच की आपको यहाँ पे एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो वर्क करती है 120Hz के रिफ्रेश रेट पे। 2000 nits के पिक ब्राइटनेस है। गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर है इस फोन के अंदर। तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे कलर्स काफी अच्छे देखने वाले हैं एंड ऑब्वियसली बात है ये गूगल का फोन है। एंड पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ 3.5mm हेडफोन जैक नहीं है, नीचे की तरफ ही आपको स्पीकर ग्रिल है, USB टाइप सी पोर्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे सिम कार्ड ट्रे है एंड ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन का भी ऑप्शन है। राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम बटन है, पावर बटन है। लेकिन दोस्तों, जितने भी गूगल के फोन होते हैं उनकी जो खासियत होती है वो होता है इनका सॉफ्टवेयर एंड क्लीन UI एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो आपको सॉफ्टवेयर मिलता है वो होता है 7 इयर्स का, आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक क्लीन UI एक्सपीरियंस मिलता है। एंड ये चीज ऑब्वियस है, ये गूगल का खुद का ही फोन है, तो जो आपको यहाँ पे क्लीन UI तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही आपको यहाँ पे 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी देखने को मिल रहा है। और ये बता देती हूँ कि ये फोन बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे एंड इस फोन के अंदर आपको AI के फीचर्स एड ऑन हो चुके हैं, जैसे Circle to Search जैसे फीचर्स है। तो ये चीज एक बिग एडवांटेज बन जाती है इस फोन के लिए। सो अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको गूगल टेंसर G3 जो कि वर्क करती है 4nm के चिपसेट पे एंड ऑब्वियसली बात है ये बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे। एंड ये फोन आता है दो वेरिएंट पे, एक है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट एंड दूसरा है 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट। एंड ये है लेटेस्ट LPDDR5X रैम टाइप है एंड UFS 3.1 है। अगर आप 53,000 आप पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप 4.1 का आपको यहाँ पे तो स्टोरेज टाइप मिलना ही चाहिए था, या तो एटलीस्ट 4 तो होना ही चाहिए था UFS, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है। तो आप ये चीज सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत हायर साइड पे आपको अपडेट्स आने वाले हैं। तो ये सोचे कि ये फोन उसको उन सॉफ्टवेयर्स को हैंडल कैसे करने वाला है। इस फोन का जो अंतुतु स्कोर है वो भी 1 मिलियन है, लेकिन अगर आप 20,000 से 30,000 वाले आजकल के टाइम पे फोन ले रहे हैं, लेटेस्ट फोन ले रहे हैं, तो उनका स्कोर भी 1.5 मिलियन तो चला ही जाता है, जिनके अंदर आपको एक परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो UFS है अगर वो 4.0 होती या फिर 4.1 होती तो वो चीज ज्यादा बेटर होती, क्योंकि आप प्राइसिंग भी आप यहाँ पे 53,000 पे कर रहे हैं। बट द गुड पार्ट इज कि आपको यहाँ पे USB 3.2 मिल रहा है, जिसकी वजह से आप डेटा ट्रांसफर काफी इजीली कर सकते हो और काफी अच्छे से कर सकते हो। एंड गेमिंग की बात एंड परफॉर्मेंस की बात करिए तो यहाँ पे मैं गेमिंग को कैसे पीछे रख सकती हूँ, तो आप इस फोन के अंदर गेमिंग वगैरह भी अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी लैक एंड ड्रॉप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड नॉर्मली बस यहाँ पे ये चीज है कि आपको स्क्रीन साइज जो है वो थोड़ा आपको यहाँ पे छोटा मिलने वाला है। तो बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4,492 mAh की बैटरी मिलती है, 30W का आपको यहाँ पे चार्जिंग मिल जाता है, 7.5W का आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। बट आप ये सोचिए कि यहाँ पे आपको 5,000 mAh की बैटरी नहीं मिल रही है, साथ ही यहाँ पे आपको 30W का ही सिर्फ चार्जिंग का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आप मॉडरेट काम कर रहे हैं, हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, तो आप एक दिन आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। अगर आप हैवी वर्क कर रहे हैं तो इस फोन को दोबारा चार्ज करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे आपको 7.5W का आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। मल्टीमीडिया भी आप यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी लैक एंड ड्रॉप के
इश्यू नहीं है, तो वीडियोस वगैरह भी आप HDR में एंजॉय कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करो तो ये 18 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। हालांकि पहले ये चीज गूगल के फोन्स में इशू आते थे, बट अब ये इशू रिजॉल्व है। तो यहाँ पे ये 18 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G वोल्ट है, वाईफाई 6 है एंड ब्लूटूथ 5.3 को सपोर्ट करता है। और एक चीज जो है वो ये अच्छी है कि यहाँ पे आपको IP67 की रेटिंग मिल जाती है, यानी कि बारिश वगैरह में कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि IP67 की आपको यहाँ पे रेटिंग मिल रही है। वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट है। सिम की बात करो तो यहाँ पे आपको सिंगल सिम मिलती है, लेकिन आपको ई सिम का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि एक आप फिजिकल सिम लगा सकते हैं एंड दूसरा आप ई सिम यूज कर सकते हैं। अब कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको कैमरा क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है। ऑब्वियसली बात है ये गूगल का फोन है, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा जिसके अंदर OIS का सपोर्ट है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 4K की वीडियोस को आप 30 या फिर 60 FPS पे शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करो तो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, ऑटो HDR का भी सपोर्ट है फ्रंट कैमरे में, पैरानोमा का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, 4K की वीडियोस को आप 30 FPS पे भी शूट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि आपको फ्रंट कैमरे में भी अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है। हालांकि अभी तक हमें किसी भी फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा फ्रंट में नहीं मिलता था, हमेशा हमें वाइड कैमरा ही मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है। अगर आप एक कैमरा के लिए भी फोन बाय करना चाहते हो, अगर आप इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप गूगल पिक्सल 8a को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको AI के फीचर्स भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे AI फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे जैसे फोन अपग्रेड होता जाएगा तो आपको AI के फीचर्स आपको पिक्सल के अंदर मिलने ही वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जब कैमरे में पिक्चर क्वालिटी के जो कलर्स हैं वो काफी ज्यादा आपको एक्यूरेट मिलने वाले हैं, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है कैमरे से। तो इसीलिए ही जो OS है एंड जो कैमरा है, इसी के लिए ये फोन काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। और यही बेस्ट पार्ट है इस फोन के अंदर, एक तो है इसका OS एंड दूसरा है इसका कैमरा। एक क्लीन UI एक्सपीरियंस आपको इस फोन के अंदर मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे जो प्राइस है वो ओवर प्राइज्ड है, 53,000 का आपको ये फोन कॉस्ट करता है। अगर आप थोड़ा बहुत बैंक डिस्काउंट लगाते हो तो आपको ये अंडर 50,000 में कॉस्ट करने वाला है, लेकिन तब भी ये फोन 9,000 से ये ओवर प्राइज्ड है। लेकिन मैं ओवरऑल इस फोन के बारे में बात करूं तो जो पर्सनली मुझे पसंद आया है, इसका कैमरा, एक क्लीन UI एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको, 7 साल का OS अपडेट मिल रहा है। बट यहाँ पे बस जो एक नेगेटिव चीज जा रही है वो है कि UFS आपको यहाँ पे 3.1 का मिल रहा है। 4 होता तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि अपडेशन आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, सॉफ्टवेयर जो अपडेट है वो ज्यादा है, 7 साल का अपडेट मिल रहा है। बाकी जो आपको यहाँ पे AI फीचर्स देखने को मिल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये फोन कॉम्पैक्ट काफी है, मतलब एवरेज हैंड्स के लिए ये काफी ज्यादा सही है, बट डिस्प्ले साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये फोन भी देखने में लुक वाइज प्रीमियम है। सो आपके क्या थॉट्स हैं गूगल पिक्सल 8a को लेकर, ये चीज आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अभी अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।